हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि मैं अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट पेटीएम के थ्रू करता हूं तो उसमें कुछ दिक्कत आती है या नहीं आती है, अगर आती है तो किस तरह की आती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में अपना एक अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, मेरे पास एक SBI का क्रेडिट कार्ड है, जिस तरह की अदर बैंकों का भी क्रेडिट कार्ड बहुत लोगों के पास रहता है, तो मेरे पास भी एक छोटा सा क्रेडिट कार्ड है जिसमें कि छोटा लिमिट है। तो आप लोगों को एक डिटेल शेयर करना चाहता हूँ उसके बारे में कि मैं अपने क्रेडिट कार्ड पेमेंट टाइम पे टाइम आ जाता है, कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ पेटीएम के थ्रू। तो यही इस ये वीडियो पे बने रही है तो आप जान सकते हो, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा इस वीडियो पे। दोस्तों, आपको बता दूँ कि कभी भी मैं पेमेंट करता हूँ पेटीएम के थ्रू तो टाइम टू टाइम पेमेंट हो जाता है, लेकिन उस पर बस यही लिख के आता है कि 2 से 3 दिन लग सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर आप जब पेटीएम के थ्रू SBI को पेमेंट करते हो तो NFT रिसीव होता है और तो इमिडिएटली नहीं वो एक्सेस करता है। क्योंकि दोस्तों, आप देखेंगे ना, अगर आपको इंस्टेंट SBI का पेमेंट चाहिए तो आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके कर सकते हो, या तो इनका ऑफिशियल ऐप है, आप उसके थ्रू कर सकते हो। लेकिन अगर आप पेटीएम के थ्रू करते हो ना, तो आपको कम से कम 48 आवर का टाइम लगता है, जो कि उसमें सामने दिखा रहता है कि 2 से 3 दिन में आपका अपडेट हो जाएगा। तो मैंने कम से कम 6-7 महीने से इसको यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है पेटीएम से क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने के लिए। सिर्फ लोग दोस्तों, आप लोगों को ये बता दूँ कि आपको पेटीएम से क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना तो बड़े ध्यान से करना पड़ेगा आपको। उसमें आपका कार्ड नंबर रहेगा जो भी 12 अंक का है, तो आप उसको ध्यान से कीजिए, नंबर एकदम परफेक्ट डालिए। जो जो वो डिटेल पूछेगा ना, वो प्रॉपर डालिए। अगर आप उसको एक भी नंबर गलत कर देते हो तो आपको दिक्कत आ सकती है। क्योंकि दोस्तों, एक बार पेमेंट चला गया आपके पेटीएम से तो उसे रिसीव करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप रिचार्ज कर रहे हो या क्रेडिट कार्ड पेमेंट कर रहे हो, किसी तरह का पेमेंट कर रहे हो पेटीएम के थ्रू, तो आपको बहुत सावधानी के थ्रू से करना है। क्योंकि दोस्तों, आपने एक बार बटन दबाया और फिर पासवर्ड डाला अपना, तो पैसा चला गया। उसके बाद उसे रिटर्न लेने के लिए बहुत सारे झंझटों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है पेटीएम से, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है मुझे। मैंने बहुत सारे पेमेंट, आपको बताइए कि मैं बहुत सारे पेमेंट करता हूँ पेटीएम के थ्रू। कहीं दुकान वगैरह में जाता हूँ तो भी मैं पेमेंट करता हूँ पेटीएम के थ्रू, क्योंकि काफ़ी अच्छा सर्विस दे रहा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, मुझे अभी तक कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया कि मैंने कभी स्कैन किया और मेरा पेमेंट फेल हो गया है। बस फिलहाल एक बार कभी कभी आ जाता है, एक आधा समझ लीजिए कि हर कोई 100% परफेक्ट नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि फिर भी काफ़ी पेमेंट मेरा रुका है, लेकिन उसे मतलब लॉस नहीं हुआ है मेरा पेमेंट। अगर मैं एक दिन पेट्रोल पंप पे पैसा स्कैन करके मैंने पैसा डाला, लेकिन वो बीच में अटक गया फंसने की वजह से, फिर वो ना मैं उसमें आया ना मेरे में आया, तो उन्होंने बाद में 3 दिन का वो टाइम लिया था कि 3 दिन में आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे। मैंने कंप्लेंट रेज किया था तो थोड़े दिन बाद वो रिटर्न हो गया। इस तरह कभी पैसे मेरे रुके नहीं हैं पेटीएम के थ्रू। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।